भागलपुर गांव में रंजीत रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वो पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से रंजीत कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से रंजीत शहर जाकर गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के रूप में आकर वो शहर चला जाता था। भगवान के नाम पर दे दे बाबा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब भी हूँ। ठीक ठाक तो दिख रहे हो, जाकर काम क्यों नहीं कर लेते? बेटी अगर देना है तो दो, नहीं तो रास्ता नापो। रंजीत हमेशा ऐसा ही करता। वो गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की जगह पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके घर चला जाता। जमींदार साहब, वो देखिए, वहाँ से रंजीत आ रहा है, उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना कल सुबह वो फिर से भाग जाएगा। तुमने सही कहा, मेरे सोने के बाद ये गांव आता है और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी रंजीत के घर आ पहुँचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं मालिक, आपने मेरे पूरे खेत ले लिए हैं, अब ये छोटी सी कुटिया बची है, आप इसे भी हथियाना चाहते हैं? तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम ये सब ले लेंगे, इस घर को भी। ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने मैं पूरे पैसे देकर पूरे अपने खेत छुड़वा लूंगा। रंजीत के हाथ में पैसे देखकर दोनों हैरान रह गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से नाराज होकर चला गया। इसके पास इतने पैसे आए कहां से? और इसके हाव भाव से तो पता चल रहा है कि ये कोई गांव का बड़ा साहब हो। और बातें तो ऐसी कर रहा था कि वो सारे जमीनें खरीद लेगा। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रंजीत हमेशा गांव से सुबह शहर के लिए रूप बदल कर निकल जाता और शहर जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी बीवी मंगला को शहर में समंदर दिखाने के लिए लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि रंजीत भीख मांग रहा था। तुम मुझे एक दोगे, मालिक तुम्हें 10,000 देगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया खेल, गांव में बड़े ठाट बाट से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। कृपा करें मालिक, कृपा करें, ऐसा मत करिए मालिक, मैं बस ये अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पास आने ही वाला था। तुम बस गांव चलो और वहां चलकर देखना, तुम्हारा रहना हराम हो जाएगा। जमींदार और मुंशी ने मिलकर पूरे गांव वालों को ये बात बता दी। रंजीत जहां कहीं भी जाता, लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते। अरे वो देखो, गांव का सबसे बड़ा भिखारी गांव में आ रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें। पूरे गांव से रंजीत अपने भिखारी होने के ताने सुन सुनकर थक हार कर परेशान होकर भागलपुर गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया, मेरा सब कुछ ले लिया। भगवान ने अनाथ भेजा था, आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जिंदगी में रोने से अच्छा है तो मैं मर ही जाता हूँ। रंजीत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा ही था। वहाँ पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आँख खुल गई। उन्होंने देखा कि रंजीत उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊँ, मेरी जिंदगी इस पहाड़ से, इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। रंजीत अपनी सारी बातें उस तपस्वी साधु को बताता है। मेरी तपस्या भंग करने का मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी समस्या बहुत जटिल है, तो मेरे पास एक तुम्हारे लिए बेहतरीन उपाय है। तपस्वी साधु ने अपनी कमंडल से जल निकालकर रंजीत के ऊपर छिड़क दिया।
रंजीत ने जैसे ही आंखें बंद की, रंजीत के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और रंजीत अपनी भिखारी के वेश में आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं और मैं इस भेष में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम जब भी इस भेष में कुछ भी भिक्षा लोगे वो भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस भेष में रहने पर ही, और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये तुम्हें सोने के सिक्के भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद के तौर पे दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं? ये मेरे साथ मालिक ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने का सिक्का दिया, रंजीत के भिखारी के वेश में होने की वजह से वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया। रंजीत की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान रह गईं। रंजीत ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक जोहरी की दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। ठेकेदार साहब, मेरा ये घर बहुत बड़ा बनवाना, मेरे भागलपुर गांव वालों को यहाँ दावत देनी है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह का कैसा हो गया? समय का खेल है बस, तुम बस मेरा घर अच्छे से बना दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनाकर रंजीत भागलपुर गांव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। रंजीत को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु की दुआ से वो 4 गुना ज्यादा हो जाती। देखते ही देखते रंजीत भिखारी से अमीर बन गया, लेकिन रंजीत का सारा बर्ताव भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छिपाकर सारे गांव वालों को दावत दी। सुनो सुनो सुनो, भागलपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहां के मालिक ने भागलपुर दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो सुनो। जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा, वो बहुत बड़ा महल है, हमें चलना चाहिए, वहां जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बेहद खुश हो जाते हैं और दावत पर चले जाते हैं। उस दावत में रंजीत अपने भिखारी के वेश में ही होता है। उसे वहां देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहां भी आ गए, गांव बसा नहीं भिखारी पहले ही आ गए। आने दो मालिक, आने दो, यहां पर अच्छी भीख मिल जाएगी ना। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहां पर ठेकेदार आ जाता है और वो कहने लगता है, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, ये बड़ा सा महल उन्हीं का ही है। ये क्या बकवास है ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये महल मैंने ही बनाया है और ये महल रंजीत जी का ही है। लेकिन ऐसे कैसे, ये तो शहर में भीख मांगा करता था, और आज इतने बड़े महल का मालिक रंजीत कैसे हो गया? तब वहाँ रंजीत कहता है, मैं तो बस अपने हालातों के वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ ना होकर भी सब कुछ है। रंजीत की बात सुनकर दोनों मायूस हो जाते हैं और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और रंजीत से मुआफी मांगने लगे। लेकिन उसके बाद भी रंजीत शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था। मानसी एक छोटे से शहर में रहती थी। मानसी एक अमीर घर की लड़की है, उसके माँ बाप ने उसे बहुत नाजों से पाला है। आज तक उसने सिर्फ तालीम और दोस्तों के साथ मौज मस्ती ही की थी। अब उसकी उम्र शादी की हो गई थी। एक दिन मानसी की माँ ने मानसी के वालिद से मानसी की शादी की बात की याद दिलाई। हमारी बेटी अब शादी के लायक हो गई है, उसके शादी के बारे में कुछ सोचा है या फिर आपको उसका ख्याल ही नहीं है? हाँ, मुझे बिल्कुल इल्म है।
मैं आज से ही मानसी की शादी के लिए लड़के की तलाश करता हूँ। शादी तो हो जाएगी, लेकिन आपके लाड प्यार ने इसे इतना बिगाड़ रखा है कि मुझे तो डर है कि ये किसी भी घर में जाकर उनके तौर तरीके से रह पाएगी भी या नहीं। यही तो काम है हमारा कि हम अपनी बेटी के लिए अच्छा घर ढूंढे, ताकि वो वैसे ही रहे जैसे कि यहाँ पर रहती है। उसी दिन मानसी के वालिद की मुलाकात उनके एक पुराने अजीज दोस्त से होती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और वो उन्हें घर पर भी बुलाते हैं। घर पर दोनों खूब बातें करते हैं और पुरानी बातों को याद करके हंसते हैं। तभी वहाँ से मानसी गुजरती है। नमस्ते अंकल, अब्बू आपके बारे में बहुत बात करते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, अब अब्बू को और भी अच्छा लगेगा। अरे तुम्हारी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई, इसकी शादी हो गई क्या? नहीं, इसके लिए लड़के की तलाश में हूँ। उनके दोस्त खुश होकर कहते हैं, अच्छा तो आज हमारी मुलाकात क्यों ही नहीं हुई है। मैं भी अपने बेटे की शादी के लिए लड़की की तलाश में था। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके दोस्त थोड़े मायूस हो जाते हैं। मगर मुझे नहीं लगता दोस्त तुम्हारी बेटी को ये रिश्ता मंजूर होगा, मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ ना। अरे मायूस क्यों होते हो, एक बार मानसी से बात करते हैं। मानसी के वालिद मानसी से पूछते हैं और उनके दोस्त के बेटे से मिलवाते भी हैं। मानसी को ये रिश्ता अच्छा लगता है, उसे लड़का भी पसंद आ जाता है। दोनों दोस्त बहुत ही खुश होते हैं। मानसी की शादी हो जाती है और वो अपने शौहर रवि के घर जाती है। उसकी सास और उसके ससुर दोनों का खुशामदीद करते हैं। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। हमारा कमरा कहाँ है माँ जी? यही कमरा है, ये किचन और अंदर एक और कमरा। अभी तुम लोग नए दुल्हा दुल्हन हो तो तुम अंदर वाला कमरा इस्तेमाल कर लो। मानसी अंदर वाले कमरे में जाती है, मगर उसे इतने छोटे कमरे में नींद नहीं आती है। रवि एसी चला दो ना, बहुत गर्मी लग रही है। एसी तो नहीं है। हाँ मगर जल्दी ही मैं सेकेंड हैंड ले आऊंगा, अभी खिड़की खोल देता हूँ, तुम्हें बेहतर लगेगा। रवि जैसे ही खिड़की खोलता है गाड़ियों का शोर आने लगता है। मानसी को फिर नींद नहीं आती। मानसी सुबह देर तक सोई रहती है। उठो बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, कुछ दावत बना के खिलाओ। मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, लेकिन मैं जरूर कुछ खिलाऊंगी। सास को लगता है वो खुद से कुछ तैयार करके खिलाएगी, मगर मानसी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके घर वालों को खिला देती है। सब खाने बैठते हैं। अरे इसका जायका तो एकदम बाहर के खाने जैसा है, मुझे नहीं पता था मानसी ऐसा खाना बनाती है। हाँ बहू, बेहद अच्छा दावत बनाया है। मैंने नहीं बनाया सासू माँ, ये तो ऑनलाइन मंगवाया है। क्या, पर हमने तो तुम्हें बनाने को कहा था ना, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। अगले ही दिन सब सुबह जल्दी उठकर काम करते हैं, मगर मानसी सो ही रहती है। जब बहुत वक्त हो जाता है तो सास उसे उठाकर काम में मदद करने को कहती है। बहू उठो, अब दोपहर होने वाला है, थोड़ा काम में हाथ बटा दो मेरा। काम करना तो नहीं आता और इतना छोटा तो घर है, काम करने की जरूरत ही कहाँ है। कल कर लेंगे बचा हुआ काम, आज तो मुझे सहेलियों को शादी की दावत देने के लिए बाहर जाना है। मानसी, मेरी अम्मा ने बताया तुम उनकी मदद बिल्कुल भी नहीं करती। मैं अपने घर में भी नहीं रहती थी, मुझे काम काज की कोई आदत नहीं है। एक दिन सास को अपने मायके जाना पड़ता है, घर की सारी जिम्मेदारी मानसी पर आ जाती है। मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उससे मुलाकात करने जा रही हूँ, तुम्हें बस 3 दिन के लिए इस घर का ख्याल रखना है। ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अगले दिन रवि ने सुबह मानसी को जल्दी उठाया और उससे टिफिन तैयार करने के लिए कहा। मानसी उठो, मैं और बाबूजी ऑफिस जा रहे हैं, जल्दी से खाना तैयार कर दो। मानसी ने सोच रखा था वो ऑर्डर कर देगी, लेकिन अहले सुबह सब दुकानें बंद थी और अब उसके पास खाना बनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने यूट्यूब से देखकर जैसे तैसे खाना बनाया और पैक करके अपने ससुर और रवि को दे दिया। दोपहर में जब उसने खुद खाया तो खाना इतना खराब था कि वो खुद नहीं खा पाई। शाम तक बर्तनों पर चूहे और मक्खियां आने लगी। उसने सोचा नहीं था कि ये भी करना पड़ेगा, इसलिए उसने बर्तन भी धोए।
मानसी के काम करने से घर इतना गंदा हो गया कि उसकी सफाई भी करनी पड़ी। ये सब करके वो बहुत थक गई थी। शाम को जब वो दोनों घर आए तो उसे लगा कि उसे डांट पड़ेगी और सब उसके खाने की बुराई करेंगे, मगर किसी ने उसके खाने की बुराई नहीं की। मानसी को फिर भी बुरा लग रहा था। अगली सुबह खाना ना बनाना पड़े इसीलिए वो शाम को ही बाहर से खाना मंगा लेती है और चैन की नींद सो जाती है। मगर अगली सुबह जैसे ही वो उठकर देखती है खाना बिगड़ चुका है, वो फ्रिज में रखना भूल गई थी। मानसी को फिर से खाना बनाना पड़ता है। काम कर करके उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सास वापस आती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। मानसी को इतना काम करने के बाद एहसास होता है कि उसकी सास को कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है, और जब तबीयत खराब होने के बाद उसकी सास उसका ख्याल रखती है और इतना ख़राब काम करने के बाद उसे कोई कुछ कहता भी नहीं तो उसे बहुत तकलीफ होती है। फिर मानसी ये तय करती है कि अब से वो सास की मदद करेगी और समय से उठ भी जाएगी। मुझे माफ़ कर दीजिए सासू माँ, मुझे पता ही नहीं था कि आपको इतना सारा काम करना पड़ रहा था। ऊपर से कितनी बार मैंने आपका काम बढ़ा भी दिया। अब से मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपकी मदद कर दूंगी और खाना बनाना भी सीख लूंगी। मानसी ने ठीक होने के बाद काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे खाना बनाना भी सीख गई। कुछ महीनों बाद उसने अपने माँ बाप को दावत पर बुलाया। अपनी बेटी को इतना बदलते देख और काम करते देख वो बहुत हैरान हुए। उसके हाथ का खाना खाकर वो बहुत खुश हुए। कमलपुर नाम का एक गांव था, वहां पर एक गरीब परिवार रहता था। मीना और उसकी बहू प्रिया कमलपुर में रहते थे। प्रिया का पति मुकेश शहर कमाने चला गया था। उनका घर बड़ी मुश्किल से चलता था। दोनों सास बहू अपने दो टाइम के खाने का मुश्किलों से गुजारा करते थे। आमदनी के लिए उनके घर पर उनकी दो गाय और एक भैंस थी, लेकिन दोनों गाय चारा ना खाने की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी। दोनों सास और बहू बहुत ही परेशानी से अपने और जानवरों के खाने का बंदोबस्त करती थी। अरे बहू, ओ बहू, आज खाने में क्या बनाया है? बेहद भूख लग रही है। बन रहा है माँ जी, हमारे पास सिर्फ दाल चावल ही बची है और आप हैं कि सवाल पे सवाल किए जा रही हैं। प्रिया की बात सुनकर सास निराश हो जाती है और दाल चावल खाकर सोने लगती है। उनके घर डाकी आकर चिट्ठी देकर जाता है। प्रिया उस चिट्ठी को लेकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, ओ माँ जी, देखिए हमारे यहाँ खत आया है। कौन आया है? क्यों चिल्ला चिल्ला के घर को सर पे उठाया है? माँ जी, डाकिया आया था और वो एक खत देकर गया है। आप पूछेंगी नहीं कि इसमें क्या लिखा है? अच्छा अच्छा, डाकिया आया था, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है इस खत में। आखिरी बार डाकिया तब आया था जब मैं जवान हुआ करती थी, तब आया करता था और अब इतने बरसों बाद आया है। जरूर किसी शुभ चिंतक का ही खत होगा। शुभ चिंतक का तो पता नहीं, ये खत किसी रमेश नाम के आदमी ने भेजा है और उनके साथ उनके अब्बू जान भी आने वाले हैं। खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रमेश नाम का आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई है, मतलब तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं यहाँ, और रमेश भाई साहब के अब्बू जान भी। इन दोनों का हमें पूरा ख्याल रखना होगा, वरना हमारे घर की इज्जत चली जाएगी बहू। लेकिन माँ जी, हम ऐसा क्या करेंगे? घर में फल और मिठाइयाँ तो दूर, हमारे घर में तो दाल चावल के भी बांधे पड़े हैं। दोनों सास और बहू बहुत परेशान हो जाती हैं और कई घंटे सोचने के बाद उन्होंने अपने तबेले से एक भैंस को बेचकर मेहमानों की खातिरदारी और कुछ दिन के राशन का बंदोबस्त कर लिया। इस भैंस को हमने बहुत नाजों से पाला था। जब ये छोटी थी तभी से हमारे पास है और आज मजबूरी में हम इस भैंस को अलविदा कह देंगे। सास और बहू भैंस को लेकर पूरे गांव में घूमती हैं भैंस को बेचने के लिए, लेकिन पूरे गांव में से कोई बाहर नहीं आता। सब देखकर अपना अपना कमरा बंद कर देते हैं, मानो किसी को उनकी मदद करनी ही ना हो। जब भैंस नहीं बिकती तो दोनों वापस निराश होकर घर चले जाते हैं।
ये देखकर बहू प्रिया अपनी सास से बात करती है और कहती है, माँ जी हमें कुछ सोचना होगा जिससे हमारे खानदान की इज्जत भी ना जाए और हमारी पहचान भी बनी रहे। वो कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? जब मेहमान आएंगे तो हम उन्हें चाय और नाश्ते में बिजी रखेंगे, जब खाना खाने का वक्त होगा तब हम दोनों कोई ना कोई तरकीब निकाल लेंगे। दोनों ने खूब देर सोचा और सास ने अपनी खामोशी तोड़कर कहा, बहू मेरे पास एक आईडिया है, मैं जैसा कहती जाऊं बस तुम वैसा ही करना। जी बताइए माँ जी, आपने क्या सोचा है? जैसे ही खाना खाने का वक्त हो तुम किचन से बर्तन गिराने की आवाज करना, और जब मैं तुमसे पूछूंगी तब तुम कहना, जो खाना मैंने बनाया था वो सब गिर गया। और फिर इससे क्या होगा? ऐसा ही तुम्हें व्यवहार करना है बहू, तुम्हें दो बार किचन में रख कर बर्तन गिराने हैं। जब मैं पहली बार पूछूं तो कहना चिकन गिर गया, और जब मैं दूसरी बार पूछूंगी तो कहना कि पनीर गिर गया। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए हैं, यही तो मेरा तजुर्बा है। जी मैं समझ गई माँ जी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। सास और प्रिया दोनों मेहमानों का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद ही रमेश मामू और उनके समधी जी एक लंबी गाड़ी से घर के आंगन में आ जाते हैं। अरे काओ बाजी, देखो कौन आया है, तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है। रमेश मामू और उनके समधी जी दोनों अपना सामान रख कर उनके घर के अंदर आ जाते हैं। उन्हें कई साल बाद देख उनकी सासू माँ और बहू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे भैया कैसे हैं आप? आपका खत पढ़ के मुझे बेहद खुशी हुई थी, और अब जब मैं आपसे मिल रही हूँ तो मुझे बेहद अच्छा लग रहा है। आइए आइए समधी जी, आपका स्वागत है। मेहमानों का इस्तकबाल कर दोनों को घर बुलाकर उनकी खातिरदारी की गई। घर की बहू ने उन्हें बहुत अच्छी चाय और मैगी परोसी। ये है हमारे घर की बहू प्रिया जी, नमस्ते। दोनों मेहमानों ने प्रिया की चाय पीकर बहुत तारीफ की, लेकिन खाने का वक्त हो गया था। माँ जी मुझे तो डर लग रहा है, हमने जो सोचा है अगर वैसा नहीं हुआ तो? अरे डर मत पगली, सब हो जाएगा और हम सब संभाल भी लेंगे। जैसा सास और बहू ने सोचा था वैसा ही हुआ। खाना खाते समय प्रिया ने किचन से बर्तन गिराने की आवाज की। ये आवाज कैसी है बहू, क्या हो गया? चिकन बिरयानी जो बनाई थी ना माँ जी, वो गिर गई। अब मैं क्या करूं? अरे एक काम करना बहू, फ्रिज में पनीर रखी है तो उसे बना दे। प्रिया ने कुछ देर इंतजार किया और फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बर्तन गिरा दिए और उसकी आवाज घर के हॉल पर गूंजने लगी। क्या हो गया बहू, अब ये आवाज कैसी है? माँ जी पनीर भी गिर गई। अरे बेचारी इतनी बार काम कर रही है, सब गिरता जा रहा है। अरे कोई बात नहीं, उनसे कहिए घर में दाल चावल भी होंगे, उन्हें ही बना के खिला दे। दोनों सास बहू ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मेहमान दाल चावल के लिए ही मान गए। जब प्रिया ने दाल चावल बनाए तब मेहमान और सास दोनों मिलकर गप्पे लगा रहे थे, और तभी अचानक से किचन से तीसरी बार आवाज आई। क्या हुआ बहू, अब कैसी आवाज है? माँ जी मैंने जो दाल चावल बनाई थी ना, वो भी गिर गई। जब सास ने आवाज सुनी तो उनके पसीने छूट गए और दौड़ती दौड़ती किचन की तरफ चली गई। अरे कलमूही, ये क्या कर दिया तूने? अब हम क्या परोसेंगे उन्हें? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। हॉल में बैठे मेहमान सारी बातें समझ गए थे और समधी जी ने मामू की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे रमेश बाबू, हमारी गाड़ी में हमने जो उपहार रखे हुए हैं उसमें चिकन और कुछ घर के राशन का सामान है, आप उसे निकलवा के इनके घर रखवा दीजिए, इससे इनकी और हमारी दोनों की मदद हो जाएगी। अरे जी हाँ, अभी लेकर आया समधी जी, आप चिंता मत कीजिए। इतना सुनकर रमेश मामा जी ने गाड़ी से सारा सामान लाकर उन सास बहू की किचन में रखवा दिया।
शुक्रिया मामा जी, आज आपने हमारे घर की लाज रख ली। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया।